मदद, हम बात कर रहे हैं अमरीकी मेंबरान कांग्रेस की तरफ से लिखे गए खत, जिसमें वो अमरीकी सदर से इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसको फॉरेन ऑफिस की तरफ से, जो अभी थोड़ी देर पहले हमें रद्द अमल मिला, इसको मामूल का एक कार्रवाई करार दिया जा रहा है। हमारे साथ अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करें इसकी क्या अहमियत है। अनवर इकबाल साहब, इससे पहले भी जब करारदाद आई थी तो पाकिस्तान का रद्द अमल तो कुछ इसी किस्म का था कि यह हमारे मामला में मुदाखलत है, लेकिन फिर ये खबरें भी सामने आई थी कि जो सिफारतकार हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ये इशू रेस किया गया कि इस नैरेटिव को काउंटर क्यों नहीं किया जा रहा। तो अब आप ये हमें बताइएगा कि आपको पिछले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान के सिफारतकार एक्टिव होते हुए नजर आए, या फिर हमने सरकारी सतह के ऊपर कोई अपनी लॉबिंग बढ़ाई इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, जो बहुत संजीदा सवाल उठाती है पाकिस्तान में इस वक्त सिटिंग हुकूमत के हवाले से। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, और पाकिस्तानी सफारतखाने पे बहुत दबाव है, और पाकिस्तानी सफारतखाने जो पाकिस्तानी सफारतकार हैं जिसमें खुद सफीर साहब भी शामिल हैं, मुसलसल रबते में हैं। इनकी इंडिविजुअल मीटिंग होती हैं सेनेटर्स से, कांग्रेसमैन से, जो मुख्तलिफ कमेटी के चेयरमैन चेयरपर्सन हैं उनसे, उसके अलावा ग्रुप मीटिंग्स भी करते हैं, डिनर्स भी होती हैं सफीर साहब के घर पर, खुद भी जाते हैं मुख्तलिफ डिनर्स में, मुख्तलिफ इवेंट्स पे, और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जैसे एक पाकिस्तान पाक पैक है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिन्होंने ये पिछले दिनों एक बयान भी जारी किया था सदर ट्रंप की हमायत का, उसके मुकाबले में इन्होंने मुख्तलिफ और ग्रुप जो इन बातों की मुखालफत करते हैं उनके साथ मिल के भी सफारतखाना काम करता है, उनकी भी उन्होंने एक मीटिंग की थी पिछले दिनों। लेकिन मसला, जैसा मैंने बताया, कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में सफारतखाने का किरदार बहुत महदूद है। आप एक बात जहन में रखें, सफारतखाना गैर मुल्की हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पाकिस्तानी हैं जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं, वो कानूनन पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान ओरिजिन के अमरीकी शहरी हैं। तो अमरीकी शहरी के मामलात में पाकिस्तानी सफारतखाना मुदाखलत नहीं कर सकता, वो कानूनन जुर्म होगा, और वो उनको नहीं कह सकता कि इस कांग्रेसमैन से राबता करो, इससे ना करो, ये करो ना करो। वो एक बड़े एक लिमिटेड स्पेस में बहुत एहतियात से काम कर सकते हैं, जो कि वो कर रहे हैं। अब ये देखिए कि अब सफारतखाना ये तो नहीं कर सकता कि जो कांग्रेसमैन है उनको फंड जमा करके दे दे, या कांग्रेसमैन से इंडिविजुअल मुलाकात करके कहे कि हम आपको इतने वोट दिलवा देंगे, ये तो फिर बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। तो सफारतखाना अब एक महदूद हलके में रह के अपने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकता है, वो कर रहा है। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों हम इतना पैनिक कर जाते हैं, इतनी पैनिक की कोई बात नहीं। इससे पहले भी आपने देखा एक करारदाद भी मंजूर हो गई थी और रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोट से हुई थी, इससे बड़े कभी भी पाकिस्तान के मामले में किसी भी करारदाद पे इतने वोट नहीं पड़े थे किसी भी मामले में। लेकिन उसके बावजूद से कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अपने हवाले से अपने इंटरेस्ट तय करती है और उसके मुताबिक सोचती है, और उसमें बड़ा इनपुट होता है स्टेट डिपार्टमेंट का, पेंटागन का और लोगों का, और सब कुछ मिलकर अमरीकी मुफाद में फैसला किया जाता है। एक खत लिखने ना लिखने से हुकूमत यानी पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव जरूर बनता है, लेकिन अमरीका में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बात जहन में रखना चाहिए, हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब आखिर में अनवर साहब, भी हम जो पहले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ये कम्युनिटी जिसको हम पाकिस्तानी नियात अमरीकी कम्युनिटी जो है वो उसमें एक आम तासुर है और हकीकत के करीब भी है कि पीटीआई से के जो हामी हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, उनके क्या रुझानात हैं आइंदा इलेक्शन के हवाले से, वो क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खुलकर ये इजहार करते हैं कि वो आएंगे तो उसके कोई असरात पाकिस्तान में मौजूद सियासी सूरत हाल के ऊपर होंगे? मैं समझता हूँ कि एक बयान दिया था पाक पैक ने, पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने, मैं समझता हूँ बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था। किसी भी कम्युनिटी को किसी एक पार्टी से इस तरह नत्थी नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि ये एक ग्रुप का फैसला है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के को हिमायत करेंगे कि या नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ रहना है, और ये इमरान खान आज हैं या नहीं हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो हैं यहाँ बहुत अरसे से हैं, बहुत अरसे तक रहेंगे, और आपकी कम्युनिटी को उनके साथ डील करना है। वो कभी डेमोक्रेट्स की हुकूमत होती है, कभी रिपब्लिकन की होती है। अगर पूरी कम्युनिटी को अगर आप किसी पार्टी से इस तरह आइडेंटिफाई करा देंगे तो वो कम्युनिटी को बहुत नुकसान होगा, जब दूसरी पार्टी की हुकूमत होगी तो उसको वो पुश बैक करेंगे। आपको ये बात जाहिर पाकिस्तानियों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी खिलाफ थी और फ़लस्तीनी के लिए कुछ नहीं किया,
फिलिस्तीनियों के लिए अमेरिका में कोई कुछ नहीं कर सकता, ना डोनाल्ड ट्रंप करेंगे ना ये करेंगे, जितना किया वो उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। रही बात पाकिस्तान और मुसलमानों की, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जितने मुसलमान हैं जितने पाकिस्तानी हैं, उससे पहले किसी एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इनका जो सब एक बहुत सीनियर जो अहदेदार होता है, जिस पर अमरीकी बिजनेसिस पे सबसे ज़्यादा असर होता है, समझ ले वो एक तरह के सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है, वो एक पाकिस्तानी है, लीना खान खातून पाकिस्तानी नजाद। तो बहुत बड़े बड़े ओहदे पे हैं पाकिस्तानी भी यहाँ, और उनको दोनों पार्टी में रहना चाहिए, दोनों पार्टी के साथ मिल के काम करना चाहिए, किसी एक पार्टी से कम्युनिटी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, ग्रुप्स हों, ये प्रो रिपब्लिकन है ये प्रो डेमोक्रेट्स। और बड़े अहम पहलू के हवाले से आपने इस पर बात की, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ थे।